हे गाइस, मैं सब तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है मुस्कान ने। तो थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड गाइस, अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे से जीमेल पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, ये जो घटना मुस्कान के साथ हुई है ये जस्ट अभी हुई है। मुस्कान दिल्ली में रहती है। मुस्कान की उम्र कुछ 19 साल की है और अभी जैसे कि आप सबको पता है कि सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, हर जगह एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मुस्कान के भी इस टाइम एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे। सो मुस्कान भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मतलब मोस्टली वो क्या करती थी, हर रात को लेट नाइट तक जागती थी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, उसकी रिविज़न करना ये सब करना, तो हर रात को लेट नाइट जागती थी। पर ऐसे ही एक बार वो देर रात को जाग कर पढ़ रही होती है कि पढ़ते पढ़ते अब कभी कभी हो जाता है ना, इंसान बोर हो जाता है, मतलब पढ़ते पढ़ते तो अब थोड़ी सी ब्रेक ले लेता है, शॉर्ट ब्रेक ले लेता है। तो मुस्कान भी वैसी छोटी सी एक ब्रेक लेती है, बुक साइड में रखती है और आराम से थोड़ा सा चिल करने के लिए बैठ जाती है। चिल करने के लिए बैठती है तो अपना फ़ोन निकालती है और उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे ही लग जाती है यहाँ वहाँ की चीज़ें देखने। हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉबल कीबोर्ड के बारे में, जो कि बहुत अच्छा कीबोर्ड है। तो पहले मैं नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ किया करता था जिससे आप कुछ भी अगर भेजोगे तो वो बहुत नॉर्मल टाइप के टेक्स्ट जाएंगे। बट बॉबल कीबोर्ड यूज़ करने के बाद आप कलरफुल टेक्स्ट भेज सकते हो और इतना ही नहीं, अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो खुद उस चीज़ को स्टिकर में बना देगा जिसको आप भेज सकते हो। ये इतने बढ़िया 3D स्टिकर्स बना के भेजता है कि आप सब हैरान हो जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक और चीज़ है, GIF। यस, कीबोर्ड के अंदर ही GIF आता है। और यही नहीं, इस पर आप खुद के फेस के स्टिकर भी बना सकते हो। आपको बस अपनी सेल्फी लेनी है एंड देन बॉबल कीबोर्ड खुद आपके फेस के स्टिकर्स बना देगा। और बाकी जो इसके खुद के स्टिकर्स है वो तो बहुत ही अच्छे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको जोक्स, मूवी के डायलॉग्स और बहुत सारे कोट्स सब मिलेंगे। और साथ में आप इसमें फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। तो किस बात का इंतजार है गाइस, इतना प्यारा और इतना अच्छा कीबोर्ड आपको मिल रहा है, चाहिए और इसको डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो मुस्कान ऐसे ही नॉर्मली फ़ोन में लगी हुई थी कि पहली बार उसको एक ऐड आती है जैसे एकदम पॉपअप होके, दैट वाज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। तो मुस्कान बस क्यूरियस होती है कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, वो क्लिक कर देती है, एस्ट्रोलॉजी में जाती है तो सीधा एक चैट बॉक्स में ले जाते हैं जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजर से बात करनी होती है। तो मुस्कान उससे थोड़ी बहुत बात करती है, जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो भी थोड़ी बहुत सही चीज़ें बता देता है कि अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है, आप अभी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, ये सब बताता है। मुस्कान भी बोलती है अच्छा, मतलब सरप्राइजिंग था उसके लिए कि एस्ट्रोलॉजर को चीज़ें पता थी। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगर आपको फर्दर मतलब आगे और मतलब जानना है, कुछ भी जानना है तो आप एक पेमेंट होती है वो कर दो और फिर आप हमसे जान सकते हो। तो मुस्कान बोलती है अब छोड़ो, इतना ठीक था जितना फ्री में पूछा था पूछ लिया मैंने, अब पेमेंट वेमेंट करने का कोई सीन नहीं है। मुस्कान हटा देती है, ऐप वैप हटा देती है और फिर अपना पढ़ाई करने लग जाती है। ठीक है, अगला दिन होता है, मुस्कान जाती है, उसकी एक दोस्त होती है, वो उसको बताती है कि यार कल रात को ना एक ऐसी वेबसाइट आई थी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, मैंने उससे पूछा तो उससे सब कुछ पता था मेरे बारे में। तो मतलब ये एक सरप्राइज था मुस्कान के लिए और वो बस अपने दोस्त से यही पूछ रही थी कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। जो उसकी दोस्त होती है वो बोलती है कि ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें एक्चुअली बता देते हैं, मतलब उन्हें है, उनके पास विद्या है, वो उन्हें पता होता है तुम्हारे बारे में। तो मुस्कान बोलती है यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलती है कि एक काम कर, मैं तेरे को एक साइट भेजती हूँ तो उसमें जा, तो और उसमें ही एक ऐसी औरत है तो उससे जाके बात करके देख, उसे तो मतलब उसने तो एक्चुअली एक विद्या है जिसमें सिद्धि प्राप्त करी हुई है, तो तू उससे बात करेगी तो तेरे को तो ऐसा लगेगा कि 24/7 वो तेरे को ही देखती रहती है, उसे इतने हद तक तेरे बारे में पता होगा। मुस्कान बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है यार। ठीक है, अब अपने घर आ जाते हैं और फिर वही रात हुई है एंड देन जो उसकी दोस्त होती है उसने मुस्कान को वो वेबसाइट भेज दी होती है कि इस पर जाओ और इस पर तुझे वो मिल जाएगी। तो मुस्कान पहले तो बोलते हैं छोड़ना है यार, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर वो पढ़ाई करने बैठ जाती है और फिर से एक टाइम आता है जब उसे छोटी सी ब्रेक चाहिए होती है, तो ब्रेक लेती है एंड फिर सोचती है अब क्या करूँ। तो मुस्कान सोचती है ठीक है एक बार जाके मैं उससे बात करके देखती हूँ। तो चाहती है, वेबसाइट पर क्लिक करती है और एक चैट बॉक्स खुल जाता है। चैट बॉक्स में थोड़ी बहुत अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो बोलता है कि एक बार फेस टाइम कर लेते हैं। फेस टाइम होता है तो जब फेस टाइम करती है तो वो औरत बड़ी अजीब सी होती है, मतलब उसने पूरा काले रंग का सब कुछ पहना हुआ है और वो एक अजीब से रूम में बैठी हुई है जिसमें बैकग्राउंड भी बड़ा अजीब सा ही था, कुछ मतलब सही सा नहीं लग रहा था मुस्कान को बैकग्राउंड, वो सब थोड़ा फ़नी भी लग रहा था क्योंकि काले कलर का इतना बड़ा टीका, ये सब बाल खुले हुए, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही कर रही है, कंपटीशन में जा रही है क्या किसी। अच्छा ठीक है, मुस्कान थोड़ी बहुत बातें करती है, वो भी उस मुस्कान के बारे में जानने की कोशिश करती है एंड ऐसा करके ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब मुस्कान फिर से पढ़ाई करने लग गई है और सो जाती है। जब वो सोती है तो पहली बार ना उसको कुछ अजीब सा लगता है,
मतलब वो अभी सोई है, अब सोना भी नहीं बोलोगे। कभी कभी होता है कि आप सोने का ट्राई कर रहे हो और आधी नींद में हो, लाइक आपको पता चल रहा है बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, बट आप नींद में भी हो और थोड़े सा आपका दिमाग अभी भी बाहर की चीज़ें नोटिस कर रहा है। तो मुस्कान का भी वही हाल था, वो लेटी तो है लेकिन उसे सुनाई दे रही है चीज़ें। तब मुस्कान को ऐसा लगता है कि कोई तो मुस्कान के कान के पास आकर कुछ तो बोल रहा है, जैसे एकदम हल्की आवाज़ में। तो मुस्कान ध्यान से सुनती है तो वो कोई मंत्र होता है, कुछ अजीब सा मंत्र होता है। तो मुस्कान एकदम ऐसे उठ जाती है, आँख खोल के देखती है कि कौन है भाई, कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं है। और तो मुस्कान को ये आवाज़ें क्या सुनाई दे रही थी। ठीक है, मुस्कान इस चीज़ को इग्नोर कर देती है और फिर सोने का ट्राई करती है। फिर नेक्स्ट नाइट आती है, जब रात को फिर से मुस्कान वैसे ही पढ़ रही है नॉर्मली, और तब वो एक चीज़ नोटिस करती है कि उसकी जो विंडो है जस्ट, अच्छा ये जो विंडो है इससे उसको पूरा बाहर का दिखता है। ठीक है, तो वो जो विंडो है उसमें किसी के ऐसे हाथ के निशान हैं और वो निशान बहुत बड़े हैं, मतलब किसी नॉर्मल ह्यूमन के हाथ इतने बड़े नहीं हो सकते, ऐसे से निशान है। मुस्कान को बड़ा अजीब सा लगता है, बट ठीक है। अच्छा, मुस्कान ऐसी लड़की है जो मतलब भूत प्रेत इन सब में ज़्यादा विश्वास नहीं करती, तो मुस्कान उसे इग्नोर कर देती है। अच्छा ठीक है। और अगली सुबह होती है, मुस्कान जब तैयार हो रही होती है नहा धो के, तो वो एक चीज़ नोटिस करती है कि उसके ना यहाँ के बाल, मतलब यहाँ पीछे के जो बाल है वो एकदम से चले गए हैं, मतलब यहाँ पे पूरे बाल नहीं है, एक पैच बन गया है। मुस्कान को बड़ा अजीब लगता है कि भाई एक ही रात में कैसे बाल जा सकते हैं, कल तक तो थे सब कुछ ठीक था। मुस्कान को बड़ा अजीब लगता है ये भी। तो मुस्कान क्या करती है, डॉक्टर के पास चले जाती है। डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मतलब मेरे यहाँ के पूरे बाल चले गए और ये क्यों हो रहा है ऐसा। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आजकल आप लेट पड़ रही हो, स्ट्रेस ले रही हो, वो सब तो उनकी वजह से भी होता है, हेयर लॉस हो जाता है, तो आप चिंता मत करो, आप अपनी डाइट अच्छी रखो। तो और डॉक्टर कुछ चीज़ें लिख कर देती है जो कि मुस्कान को समझ नहीं आती। ऑब्वियसली वो बाहर जाती है, केमिस्ट से दवाइयाँ लेती है और वापस घर आ जाती है। और उसको यही लगता है कि अभी तक जो भी हो रहा है वो नेचुरल है, मतलब कि बाल जाना तो डॉक्टर ने उसके रीजंस बता दिए थे, ऐसे सुनाई देना तो वो भी एक बात होती है कि आप कभी कभी बहुत नींद होती, मतलब बहुत नींद आ रही है लेकिन आप जगे हुए तो आपको हेलुसिनेशन ही होने लग जाती है, कुछ चीज़ें जो नहीं होती वो भी आपको दिखने लग जाती है, महसूस होने लग जाती है, क्योंकि नींद एक इंसान के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि मुस्कान काफ़ी टाइम से नहीं ले रही थी, एग्जाम्स के चलते हुए तो बहुत कम सो रही थी। तो वही सब, मतलब हर चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन था मुस्कान के पास। अब जिस दिन डॉक्टर के पास होकर आ गई थी मुस्कान पूरा, तो उस रात को दवाई ले लिया और अब वापस से पढ़ने बैठ गई है। और जब पढ़ने बैठी है तो मुस्कान को ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो मुस्कान को आवाज़ दे रहा है बहुत ज़ोर से, मुस्कान मुस्कान, और बड़े क्रीपी तरीके से मुस्कान को बुला रहा है। मुस्कान मतलब इग्नोर करती है इस बात को, क्योंकि अब उसे थोड़ा सा अजीब लगने लग गया है कि मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्या उसे ऐसे सब सुनाई दे रहा है, क्या ये हेलुसिनेशन है, क्या कोई मजे ले रहा है, क्या है। वेल, मुस्कान वापस इग्नोर करके पढ़ने लग जाती है। एंड देन एकदम से मुस्कान की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई, और देखते ही देखते हुए इतनी बिगड़ गई कि मुस्कान को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। ठीक है, अब मुस्कान हॉस्पिटल में मतलब एडमिट है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, तो उसको सब कुछ बताती है। मतलब ऑब्वियसली हर दिन आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो तो बताते रहते हो ना, आज तुमने क्या किया क्या किया। तो उसके बॉयफ्रेंड ने एक चीज़ नोटिस करी कि जब से मुस्कान ने उस औरत से बात करी है तब से उसके साथ ये अजीब चीज़ें होने लगी है। तो बॉयफ्रेंड बोलता है एक काम कर, तू पंडित जी या किसी मौलवी जी को मतलब दिखा दे। मुस्कान बोलती पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, तू कुछ भी मत सोच। ठीक है, तीन दिन हो जाते हैं और तीन दिन बाद मुस्कान को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जब रिपोर्ट्स मतलब पूछते हैं कि डॉक्टर से कि डॉक्टर रिपोर्ट्स में क्या आया है, मतलब क्या हो गया था, डॉक्टर बड़े हैरानी से बोलता है कि मतलब सब कुछ सही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों, मे बी मुस्कान थोड़ी टायर्ड थी या फिर उसने नींद नहीं ली इस वजह से, बट जितनी हालत उसकी ख़राब हो गई थी वो किसी ऐसे नॉर्मल, मतलब ये तो एक नॉर्मल चीज़ है ना कि आपने नींद नहीं ली या फिर आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग केस था डॉक्टर के लिए भी। ठीक है, अब मुस्कान घर पे आती है और उसको भी लग रहा है कि हाँ यार कुछ अजीब तो हो रहा है चीज़ें, अगर डॉक्टर भी खुद कह रहे हैं कि मतलब ये अजीब है तो अजीब है। तो एक काम करते हैं, अपन जैसा मुस्कान के बॉयफ्रेंड ने बोला है वैसा करके देखते हैं, एक बार जाके पूछ लेते हैं कि भाई सब कुछ सही है ना। तो मुस्कान डिसाइड करते हैं कि ठीक है अपन कुछ दिन बाद दिखाएंगे, क्योंकि अभी मुस्कान इतनी ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं है। ठीक है, रात होती है, अब मुस्कान फिर से सोने लग जाती है। अब जब सो रही है तो अभी भी मुस्कान की तबीयत थोड़ी सी मतलब डाउन ही है, ऑल्दो वो डिस्चार्ज हो गया बट डाउन है। तो उसके साथ उसकी बहन भी है, ठीक है, जो बड़ी बहन है वो भी वहीं पे है। अब मुस्कान सो रही है तो उसको ना एक अजीब सा सपना आता है। मुस्कान को सपने में दिखता है कि मुस्कान एक खाली से आंगन में बैठी हुई है, आसपास गोला बना हुआ है और एक औरत है जो उसके आसपास से भागे जा रही है, भाग रही है। मुस्कान को उसका चेहरा ध्यान से नहीं दिख रहा, बट उसका जो हुलिया है, जो गेटअप है, वो हूबहू उस औरत के जैसा था जिससे उसने ऐसे बात करी थी, फेस टाइम करा था, सेम उस औरत की तरह है। और वो एक मंत्र पढ़े जा रही है
और ये वही मंत्र है जो मुस्कान को एक बार ऐसे सुनाई नहीं दिया था कान में पढ़ते पढ़ते कि कुछ मंत्र उसे कान में सुनाई दे रहे थे, ये वही मंत्र थे। मुस्कान को वैसे बड़ा डर लग रहा है, और उसी टाइम जब ये सब हो रहा था, ये मुस्कान के सपने में हो रहा था, बट रियलिटी में मुस्कान की बहन का बताना है कि मुस्कान ना ऐसे आंखें बंद है और वो चिल्ला रही है और देखते देखते बड़ी अजीब तरीके से सोने लग गई है। लाइक वो एकदम ऐसे ऐसे हो गई है, एक डीफॉर्म कर दिया, मतलब ये बैठे तो ऐसे डीफॉर्म कर दिया उसने, और हाथ ऐसे ऊपर है और पैर ना पूरे मुड़ चुके हैं उसके, ऐसे जैसे कि पैर उल्टे होने लग गए, इतने हद तक उसके पैर मुड़ने लग गए थे। लिटरली जो उसकी बहन है उसको मुस्कान की जो बोन्स है, मतलब उसका साउंड आ रहा था कि मुस्कान की जो बोन्स है वो क्रैक हो रही है, वो इतनी हद तक ऐसे मुड़ रही थी। मुस्कान की बहन बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो चिल्लाती है। जैसे वो चिल्लाती है घर वाले आते हैं, मुस्कान को पकड़ते हैं और एकदम मतलब होश में लाने की कोशिश करते हैं, और ये देख के तो मुस्कान की जो नानी जी है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, और उसे कैसे तो करके होश में लाते हैं, उस पर पानी वानी फेंकते हैं, और मुस्कान एकदम होश में आती है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। जैसे मतलब होश आता है उसे, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है मुस्कान। सब बोलते हैं कि बेटा कोई नहीं तुम ठीक हो, तुम आराम से बैठो। तुम मुस्कान बहुत तेज़ी से सांस ले रही है, ऐसा लग रहा है कि उसे सांस ही नहीं मिल पा रही, बहुत ज़ोर से सांस ले रही है। उसके ना उसके हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो बस बैठी हुई है। तभी जो नानी जी होती है, वो जो मम्मी होती है, उनको एक पानी लाने के लिए बोलती है, जिसको जमजम का पानी बोला जाता है। तो मुस्कान का बताना है कि एक होली वाटर होता है, तो जमजम का पानी लाया जाता है, और जो नानी जी होती है वो मुस्कान के ऊपर फेंकती है, तो मुस्कान थोड़ी सी मतलब ठीक होती है, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उसकी बॉडी में एनर्जी आई है। उसके बाद नानी जी बोलती है कि मुस्कान को जल्दी से हमें मौलवी जी के पास ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, मुस्कान को मौलवी जी के पास ले जाया जाता है, और जैसे ही ले जाया जाता है, मौलवी जी मुस्कान के ऊपर फिर से जमजम का पानी फेंकते हैं। तो जैसे वो फेंकते हैं ना, मुस्कान बड़ी अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, जैसे कि उसे आग में डाल दिया, इस तरीके से वो चिल्लाती है, भागने की कोशिश करती है, बट उसे पकड़ लिया गया है। जो मौलवी जी होते हैं उनके पास एक दो और भी लोग होते हैं, तो उन्होंने ऐसे पकड़ लिया मुस्कान को, मुस्कान के ऊपर अब वो फेंके जा रहे हैं, वो जमजम का पानी फेंके जा रहे हैं, कि तभी एकदम से मुस्कान ऐसे बेहोश होती है और सब करके आँख खोलती है, और उसके पैर फिर से वही घूमने लग गए, हाथ ऐसे पूरे घूमने लग गए उसके, और मौलवी को देख के वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है कि तू यहाँ से जाएगा नहीं क्या, तू जाएगा नहीं यहाँ से, ऐसे करके। जिस पे मौलवी जी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे, बस वो एक मंत्र पढ़े जा रहे हैं और वो पानी फेंके जा रहे हैं। 2 घंटे तक ये पूरी जो प्रोसेस होता है वो चलता है। 2 घंटे तक मौलवी जी ने मंत्र पढ़े और बस पानी फेंके जा रहे हैं, और मुस्कान चिल्लाए जा रही है, अजीब तरीके से चिल्ला रही है, रो रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मौलवी जी बस मतलब बस मंत्र पढ़े जा रहे हैं। वेल, 2 घंटे के बाद जो मुस्कान होती है वो बेहोश हो जाती है। फिर जो मौलवी जी होते हैं वो मुस्कान के हाथ में एक धागा बांध देते हैं, जो कि अजमेर से लाया गया होता है। फिर वो जो नानी जी होती है उनको बताते हैं कि आपकी बेटी पर किसी ने काला जादू कर दिया है। वेल, नानी जी इन सब पे बहुत भरोसा करती थी, तो वो एकदम मान जाती है। फिर मौलवी जी बताते हैं कि कल इन्हें फिर से लेकर आना, और मैं अच्छे से मतलब पता लगाऊंगा कि किसने किया ये सब, और हम क्या कर सकते हैं बचने के लिए, क्योंकि जो भी किया वो थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, ऐसे होता है, और मुस्कान को वापस लाया जाता है। इस दिन मुस्कान फिर से वही बेड रेस्ट पे ही है पूरी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, शरीर सर फट रहा है उसका, हर चीज़, तो उसको बेड रेस्ट पे ही रखा हुआ है। और अगला दिन होता है, फिर से नानी जी मुस्कान को मौलवी जी के पास लेकर आती है, एंड देन मौलवी जी बताते हैं कि मैंने पता करा और जितना भी मुझसे हो पाया वो ये था कि आपकी लड़की पे ब्लैक मैजिक किसी करीबी ने ही करा है, किसी दोस्त ने ही करा है। तो मौलवी जी फिर मुस्कान से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे कौन कौन दोस्त है। तो मुस्कान बोलती है मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, बट 2-3 है। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेती है और जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं उनका नाम लेती है, जिनमें से एक दोस्त का नाम होता है श्रेया। मुस्कान जैसे ही श्रेया का नाम लेती है, मौलवी जी बोलते हैं यही वो है जिसने तुम पर काला जादू करा है। मुस्कान बहुत ज़्यादा हैरान है कि श्रेया ऐसा कैसे कर सकती है। वो मौलवी जी को भी बोल रहे कि नहीं, वो तो ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी आखिरी बात क्या हुई थी श्रेया से। तो मुस्कान बोलती है श्रेया से तो वही, उसने मुझे एक एस्ट्रोलॉजर कोई था, उसकी वेबसाइट की लिंक भेजी थी एंड ऑल। एंड देन मौलवी जी बताते हैं कि वो जो एस्ट्रोलॉजर थी वो एस्ट्रोलॉजर नहीं थी, वो काला जादू करने वाली थी। श्रेया ने जानबूझकर तुमको वो लिंक भेजी थी, और जब तुम वहाँ गई, तुमने अपनी पूरी डिटेल्स दी, जो भी हुआ उसके बाद से तुम्हारे साथ ये होना चालू हुआ था। मुस्कान बोलती है हाँ, बात तो सही है। फिर मौलवी जी बताते हैं कि वो जो औरत थी उसने तुम पर काला जादू करा था, तुम्हारी डिटेल्स जो भी तुमने भेजी थी उसका फ़ायदा उठाकर उसे बहुत आसानी से तुम पर वो काला जादू कर लिया था। वेल, ये सुनकर मुस्कान बहुत ज़्यादा सैड थी, हैरान थी, शॉक्ड थी। मतलब एक बेस्ट फ्रेंड थी मुस्कान की वो, और वो ऐसा कैसे कर सकती है।
वेल मुस्कान अगले दिन जब कॉलेज जाती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, उसे बस शेय से बात करनी होती है, और शेय उस दिन आई नहीं होती। तो अपने बाकी दोस्तों से बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उनमें से एक दोस्त होता है जो बताता है कि यार जब तू आ नहीं रही थी ना बीच में, जब तेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तब श्रेया एक बार आई थी, मतलब। तो वो मुस्कान को बताता है कि उस दिन वो बड़े अजीब से गेटअप में आई थी, मतलब कि काले रंग का सूट पहन कर आई थी और एकदम काली कलर की चूड़ियाँ, काले कलर का लिपस्टिक, हर मतलब बाल खुले, और टीका भी काला रंग का लाई थी, जिसपे कुछ लोगों ने तो मजाक भी उड़ाया था उसका। और वो जो मुस्कान का दोस्त था जो उसे बता रहा था, वो भी जाके मजाक ही उड़ा रहा था, भाई क्या बन के आ गया तू आज, मतलब क्या हो गया तेरे को। जिसपे एकदम गुस्से में उसे बोलते हैं कि जो तेरी दोस्त मुस्कान है ना, वो आज के बाद तुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है। सुनते वो बड़ा डर जाता है, मतलब ये बड़ा अजीब सा था कमिंग दैट फ्रॉम श्रेया, मतलब एक ऐसी लड़की जो कि नॉर्मली सबसे बात करती थी, इतना गुस्सा ये सब नहीं था, बात ही बहुत कम करती थी, बट एकदम से इतना गुस्सा कि अपनी ही दोस्त को ऐसा बोल रही है। ठीक है, वो बंदा भी इसे इग्नोर करता है और चला जाता है वहाँ से। बट जब डॉट्स से डॉट्स मिलते हैं तो धीरे धीरे सब पूरे क्लास में बात फैल जाती है कि श्रेया ने मुस्कान पर ऐसा काला जादू करवाया था। एक बार तो श्रेया आती भी है, बट जैसे ही आती है सब उससे बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि सबको डर लगता है कि भाई ये लड़की तो कुछ भी कर सकती है, इससे दूर ही रहो। और सेम मुस्कान भी मतलब बात करना चाहती थी, बात तो क्या, मतलब बहुत ज़्यादा नाराज थी वो उससे, मतलब आप खुद ही सोचो उसे कैसा लग रहा होगा। बट जो बाकी दोस्त होते हैं बोलते हैं नहीं तू पागल है, उसके पास बिल्कुल मत जा, तू दूर रह, तू दूर रह, ये बोल के उसे भी दूर ही कर देते हैं। और मुस्कान जहाँ बैठी है सब वहाँ से साइड हो गए कि ना भाई इसके साथ नहीं बैठना, कहीं जा भी किसी से बात करने भी जा रही है तो सब मतलब पहले ही चले आ रहे हैं। और श्रेया को वो इतना बुरा लगता है कि श्रेया उस दिन के बाद से कभी कॉलेज आई ही नहीं। एंड देन 2-3 महीने बाद मुस्कान के पास एक खबर पहुंचती है, खबर कि श्रेया एकदम डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से उसने खुद की जान ले ली है, उसने खुदकुशी कर ली होती है। वेल, ये खबर सुनने के बाद मुस्कान को बड़ा बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसकी दोस्त एक टाइम पे जो बहुत अच्छी दोस्त थी वो अब नहीं रही, एक ऐसी लड़की जिसने उसके साथ इतना सब करा वो अब नहीं रही, बट स्टिल मुस्कान को बहुत बुरा सा फील हो रहा था। वेल, देखते देखते 1-2 दिन बीत जाते हैं और फिर वही मुस्कान अपना पढ़ाई कर रही है, आधी रात को लगी हुई है पढ़ाई करने में, कि तब उसको फिर उसकी विंडो से ऐसा लगता है कि कोई तो उसको देख रहा है, कोई उसको बुला रहा है। मुस्कान धीरे धीरे डर डर के उस विंडो के पास जाती है तो वो देखती है कि विंडो के जस्ट बाहर श्रेया होती है और वो बहुत बहुत तेजी से, मतलब बहुत गुस्से से उसे घूर रही है और ज़ोर ज़ोर से बोल रही है कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी, मैं तुझे जीने नहीं दूंगी, ऐसे बोल रही है। बट मुस्कान ने जो मौलवी जी ने उसे धागा दिया होता है वो पहना होता है, और फिर मुस्कान ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाती है। आई एम रियली सॉरी गाइस अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट आयतुल कुर्सी मतलब जैसे हमारे इसमें होता है ना मंत्र पढ़ लेते हैं हनुमान चालीसा, ये सब बोलते हैं पढ़ने के लिए, एंड वैसे ही मुस्लिम रिलीजन में ये आयतुल कुर्सी मतलब जो होता है वो पढ़ते हैं। तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो वो जैसे ही ये पढ़ती है उसी तो मुस्कान बस आयतुल कुर्सी पढ़े जा रही है, एंड जो शेय है वो धीरे 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 देखते देखते वहाँ से गायब हो जाती है। वेल, मुस्कान उस दिन तो बच जाती है, बट ये जो खौफ होता है वो आज तक मुस्कान के दिल में है। एंड मुस्कान का बताना है इस दिन के बाद से लकीली आज तक ना उसे श्रेया दिखी है, ना उसे कभी वो खौफ महसूस हुआ है, बट स्टिल आज भी जब वो ये सब चीज़ों के बारे में सोचती है तो उसे डर लग जाता है। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो, क्योंकि स्टोरी में कुछ सीखने को तो है, बट आई डोंट नो, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि अपने हर दोस्त पे अब किसी पे भरोसा मत करो, सबको ऐसे डाउट की नज़रों से देखो, या फिर ऐसा सोचो कि ये तो कुछ बिगाड़ देगा, मेरा बुरा ही करेगा, तो वो तो फिर जीना ही तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। तो आई डोंट नो इससे तुम क्या ही सीखने को मिलेगा, बट या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।